Sí, Dan. श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। कवियों ने अपने ढंग से चंद्रमा के विषय में और चकोर के विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। वास्तविक में कितना सत्य है वो कहना कठिन है, फिर भी कवियों का सत्य है। चकोर जो है, चकोर पक्षी जो है, चंद्रमा की ओर सतत देखता रहता है। यहाँ कहा जा रहा है श्री गुरु मूरत, गुरुदेव का जो मूर्ति है अर्थात जो विग्रह है वो चंद्रमा के सदृश है, और सेवक के जो नेत्र हैं वो चकोर पक्षी के सदृश हैं। अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर, वो जो विग्रह है उसमें हमारी दृष्टि जो है गुरुदेव के चरणों की ओर होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। चरणों की ओर ही क्यों होना चाहिए? भारतीय संस्कृति में चरणों का स्थान नीचा दिखाई दे रहा है, परंतु महापुरुषों के चरण की पूजा होती है, उसके पीछे जो वास्तविकता है वो यह है कि शरीर के अंदर भिन्न भिन्न देवताओं का वास है। इंद्रिय द्वार, इंद्रियों के ऊपर ये चाहे कर्मेंद्रिय हों चाहे ज्ञानेंद्रिय हों, इनके ऊपर देवताओं का वास है। तो चरण के देवता भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, और विष्णु जी के विषय में ऐसी एक वार्ता कही जाती है, पुराणों में इसका उल्लेख है। ऋषियों की गोष्ठी हो रही थी, ऋषियों ने विचार किया कि कौन सा देवता हम सबके लिए अधिक पूज्य होगा। महर्षि भृगु को यह कार्य सौंपा गया कि आप प्रधान देवता जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, इनमें ये पता करें कि कौन सा देवता जो है हम सबके लिए विशेष पूजनीय है। वास्तविकता तो यह है कि त्रिदेव कहने के लिए त्रिदेव हैं, वो तीनों एक हैं, एक ही देव है जो त्रिदेव के रूप में कार्य भेद से अलग अलग दिखाई देते हैं। वैसे तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमात्मा हैं जो अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता किंचित मात्र भी नहीं है। महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा जी के पास गए
ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके मानस पुत्र भृगु जी पधारे हैं। पिता को अपेक्षा होती है कि पुत्र जो है शिष्टाचार का पालन करेगा। ब्रह्मा जी को अपेक्षा थी कि महर्षि भृगु जो हैं शिष्टाचार का पालन करते हुए पिता का अभिवादन इत्यादि करेंगे, परंतु भृगु जी तो परीक्षा के लिए गए थे, उन्होंने ऐसा कोई शिष्टाचार नहीं किया। ब्रह्मा जी का मुख कुछ रुक्ष हुआ और उसको देख के भृगु जी जो हैं नतमस्तक होके प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़े, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने आगे बढ़ के उनको हृदय से लगाना चाहा। भृगु जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम चिता भस्म लेपन करते हो, मुंड माला धारण करते हो, मेरे नज़दीक नहीं आओ। और ऐसा कह के भृगु जी जो हैं वहाँ से आगे बढ़ गए। जब भगवान नारायण के यहाँ गए तो भगवान नारायण शेष शैया पे विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी जो हैं उनके चरण की सेवा कर रही थीं। ऐसी स्थिति में भृगु जी ने जाके भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पद प्रहार किया, और पद प्रहार करने पे भगवान तो परम कोप की हैं, तुरंत उठ के भृगु जी का चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ने के बाद कहा कि प्रभु आपके कठोर, मेरे कठोर वक्ष स्थल से आपके कोमल चरण को कष्ट हुआ, दास क्षमा प्रार्थी है। भृगु जी ने विचार किया, मेरा इस प्रकार का अभद्र व्यवहार को देखकर भी नारायण जो हैं किंचित मात्र नाराज नहीं हुए। लक्ष्मी जी को तो थोड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने भृगु जी को श्राप दिया। भृगु जी ने आके सभी देवताओं को बताया कि भगवान नारायण जो हैं वही पूजनीय हैं, अर्थात हम कितने ही अपराध करें भगवान नारायण जो हैं हमारे अपराधों को नहीं देखते। रामचरितमानस में रहत न प्रभु कृत चूक किए कि करत सुरत सह बार ही है कि भगवान शारीरिक क्रियाओं को नहीं देखते हैं। शरीर से कोई भी चूक हो जाए, भूल हो जाए, अपराध हो जाए, भगवान उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते। भगवान जो हैं हृदय के पवित्र भाव को देखते हैं। नारायण का भाव यही है कि वो हमारी भूलों को, जीव है उससे भूलें होती हैं, भूल होना स्वाभाविक है, अपराध होते हैं, परंतु भगवान नारायण उनकी तरफ दृष्टिपात नहीं करते, केवल हृदय के पवित्र भाव को देखते हैं। तो यहाँ जो श्री गुरु चरणन की ओर कहा जा रहा है उसका तात्पर्य यही है, हम कितने ही बड़े से बड़े अपराधी क्यों ना हों, हम गुरुदेव के चरणों का
पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, वो हमारी त्रुटियों की ओर दृष्टि ना डाल के केवल हमारे हृदय के पवित्र भाव को देख कर। अगर हमारे हृदय में गुरुदेव के प्रति सद्भाव है तो वो उस पवित्र भाव को देख के कृपा करें। और इस दोहे के पीछे हमको यही प्रेरणा मिल रही है, जैसे गुरुदेव को गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा तीनों रूप में कहा गया है, परंतु जहाँ पूजन की बात आती है, वंदन की बात आती है और ध्यान की बात आती है, अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर, गुरुदेव भगवान शंकर के रूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ज्ञान के अंदर गुरुदेव का स्वरूप जो है भगवान शंकर जैसा है। भगवान शंकर जो हैं ज्ञान की साक्षात जीवंत प्रतिमा हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और कार्य उनका क्या है, जीव मात्र का कल्याण करना, निश्रेष की प्राप्ति कराना। वैसे रुद्र रूप में सृष्टि के संहारकर्ता देव है, संहार का अर्थ होता है परावर्तन, परिवर्तन, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मरने वाला हो, रूपांतरण होता रहता है। यह सृष्टि जो आज देख रहे हैं क्षण प्रति क्षण बदल रही है, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहे हैं। और भगवान शंकर जो भस्म लेपन करते हैं उसके पीछे भी वही उद्देश्य है, जलेती भस्म थलेती भस्म, भस्म भस्म निरंतर भस्म, जल जो है वो भी भस्म है, हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन का संयोग पाके पानी बनता है, जल जो है भस्म है, ये थल जो है ये भी भस्म है, संपूर्ण अस्तित्व जो है भस्म है, हमारा शरीर आज जो दिखाई दे रहा है जिसके प्रति हम इतना अभिमान अहंकार कर रहे हैं, ये शरीर भी अंततो गत्वा भस्मीभूत होने वाला है। तो भगवान शंकर हमको प्रेरणा देते रहते हैं कि सब भस्म ही भस्म है और भस्म ही भस्म हो रहा है रूपांतरित होके, इसलिए जो इसमें अविनाशी तत्व है, जो इसमें रूपांतरित न होने वाला तत्व है, जो तीनों काल में एक रस रहने वाला तत्व है, उसका अनुसंधान करो, उसके विषय में चिंतन करो, उसकी मीमांसा करो। शरीर की मीमांसा कल्याणकारी नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिम अविवेकी पुरुष शरीर हैं, अविवेकी लोग जो हैं वो शरीर को ही सब कुछ मान के शरीर को महत्व देते हैं, परंतु ज्ञानी महापुरुष जो हैं, संत जन जो हैं, वो अविनाशी तत्व जो तीनों काल में एक रस रहने वाला आत्म तत्व है, चिन्मय तत्व है, चेतना है शरीर के अंदर, उसको देखते हैं जो अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में अनित्यता के कारण अशांति है, और जो चिन्मय तत्व है, चेतन तत्व है, वो स्थिर है और वहाँ ही शांति है। अस्थिरता अशांति का कारण बनती है,
नित्यता शांति का कारण बनती है। तो बस उस परम चेतन का ध्यान करें। भगवान शंकर के विषय में गोस्वामी जी ने एक बात और कही, यम आश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र बंदिते, जिनका आश्रय पाके वक्रो अपि टेढ़ा चंद्रमा भी सब जगह वंदनीय पूजनीय हो जाता है। दूज का चांद टेढ़ा है, एक कला के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर हम कितने ही टेढ़े हैं, गलत हैं, जब तक हम अपने अंदर कमी का एहसास नहीं करते, अनुभव नहीं करते, हम अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान अहंकार करते हैं, तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। और जब हमको अपने अंदर कमियों का अनुभव होगा, तभी हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार, अपने आप को बुद्धिहीन समझ के हम अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, चतुर समझ लेते हैं, समझदार मान लेते हैं। ये जो हमारी भ्रांत धारणा है, भगवान शंकर स्पष्ट कर देते हैं, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। ये तो भगवान की लीला चल रही है। कभी हमारे अंदर सद्विचार आ जाएं, हम सही समझ सकें, तो वो परमात्मा की कृपा और करुणा का प्रसाद है, वो हमारी विशेषता नहीं है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर ही रहु। हम अपने मन से, बुद्धि से, वाणी के द्वारा, आचरण के द्वारा चतुराई छोड़ दें, अर्थात अपने अंदर जो मिथ्या अभिमान है, अहंकार है कि हम समझदार हैं, चतुर हैं, इस मिथ्या धारणा को निकाल दें और फिर भगवान का भजन करें, तब भगवान कृपा करते हैं। हम कहते हैं कि इतने समय से हम भजन करते हैं, परंतु भगवान के कृपा प्रसाद के वही अधिकारी हैं जो चतुरता छोड़ के भजन करते हैं। इस अभिमान अहंकार को गलित करके हनुमान जी महाराज रुद्रावतार, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान, इस प्रकार से निवेदन करते हैं और भगवान के चरणों में गिरते हैं। परिणाम क्या आता है, भगवान तुरंत उनको उठा के हृदय से लगा लेते हैं। जब जीव अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान छोड़कर परमात्मा के लिए समर्पित होता है, जब तक हमारे अंदर अभिमान है श्रेष्ठता का, तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। तो यहाँ जो श्री गुरु चरणन की ओर कहा गया है, उसमें ये सब भाव दिखाई दे रहे हैं कि हम अपनी श्रेष्ठता का अभिमान छोड़ के परमात्मा के, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लें और उनका चिंतन करें। और जैसा आप सब जानते हैं, जिसकी हम आराधना उपासना करते हैं, उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। जब गुरुदेव की, गुरुदेव के चरणों की, नारायण के रूप में अथवा शिव के रूप में भावना करके
हम उनका चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, तो हमारे अंदर जिस प्रकार की शालीनता भगवान नारायण में है, जिस प्रकार की प्रेरणा भगवान शंकर से मिल रही है, वो सब सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा, अब ये जो मुख चंद्रमा वाली बात आई है, वहाँ पूरी मूर्ति में केवल एक शरीर के उसकी बात नहीं कही गई है, ये ना सोचा जाए कि मुख का निरंतर चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए तो चरण हैं, चरण का ध्यान करना चाहिए। और वो मुखाकृति को वैसे तो पूरी जो गुरु मूर्ति है उसमें उनके तेज का ध्यान करना चाहिए, कोई आकृति विशेष का नहीं, क्योंकि जो भी गुरुदेव का स्थूल स्वरूप है वो परिवर्तनशील होगा, परंतु गुरुदेव के अंदर जो चिन्मय तत्व है, चेतन तत्व है, वो एक रस रहने वाला है। इसलिए उसका ध्यान करना चाहिए, तेज का ध्यान करना चाहिए जो अपरिवर्तनशील है, नहीं तो रोज़ रोज़ ध्यान बदलेगा। इसलिए गुरुदेव के चरण का अथवा चिन्मय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम।